नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। चीन जैसे देश के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन चीन अब दलदल में फंसता जा रहा है, क्योंकि चीन ने पूरी दुनिया से दुश्मनी ले ली है और नतीजा अब इतना खतरनाक हो चुका है कि खुद चीन के पीएम शी जिनपिंग भी अब सदमे में है। दरअसल नेगेटिव रेटिंग अर्थव्यवस्था में चीन एक बढ़ते जोखिम की ओर इशारा कर रहा है और ये कहना हमारा नहीं है, ये दावा है फिच की एक रिपोर्ट का। फिच ने चीन के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को नेगेटिव करार दे दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो ड्रैगन इस रिपोर्ट कार्ड में फेल है। अब चीन की इस दुर्गति का असर देखने को मिल रहा है। कंपनियों की स्ट्रेटजी में बदलाव नजर आ रहा है। चीन से उनका मोह भंग होने लगा है। मनगढ़ंत पॉलिसियों से परेशान होकर वे भारत की ओर रुख करने लगे हैं और अब इससे चीन को मिर्ची लग रही है और वहीं भारत पूरे तेवर में है। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन ने खुद पर ही उड़ता तीर ले लिया है। अमेरिका, यूरोप, भारत सहित ज्यादातर देश जहां ड्रैगन का माल खपता है वहां उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं। देखा जाए तो इसके पीछे केवल चीन की आक्रामकता जिम्मेदार है। फिच के आउटलुक में ये बदलाव दिखाता है कि चीन के सामने आगे और क्या चुनौतियां इंतजार कर रही है। ये उसके लिए दोहरी मार जैसा साबित हो सकता है। चीन की स्थिति अब खराब होती जा रही है और कंपनियां अब अपनी स्ट्रेटजीज बदल रही है। इनमें से एक कंपनी है डैमसंग टेक। कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग वर्क को चीन से भारत लाने की योजना बनाने लगी है। डैमसंग पावर बैंक, छोटे स्पीकर और मोबाइल से जुड़े हुए उत्पाद बनाती है, लेकिन अब चीन का आधा मैन्युफैक्चरिंग वर्क भारत ट्रांसफर हो रहा है और यही स्ट्रेटजीज अब चीन की कंपनियां बना रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार जब भारत चीन से और अमेरिका से निर्यात करते हैं तो फिर 25% शुल्क लगता है, वहीं भारत से निर्यात करने पर यह सिर्फ 5% रहता है। बहरहाल अब जिस तरीके से चीन लगातार फिसलती अर्थव्यवस्था की कगार पर बढ़ रहा है और साथ ही साथ दुनिया के तमाम देश उससे अपना पल्ला झाड़ने पर लगे हैं, उनके चीन के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं क्योंकि कंगाल हो रहे हैं देश जिसका कि पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे जो तमाम देश हैं वो एक जीता जागता उदाहरण है। और यही कारण है कि अब चीन से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं बहुत सारी कंपनीज की वो अब भारत शिफ्ट हो रही हैं, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे आने वाले कुछ सालों में भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ भारत के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर, फिच की इस रिपोर्ट पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।